मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी बहुत देर से सोचते हैं। कुछ दिनों बाद उनको ये भी समझ आ जाएगा कि वे जो केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लेकर बोलते हैं वो भी गलत है। राहुल गांधी के इमरजेंसी को गलत बताने वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इस दौरान वे भी जेल गए थे, तब वे छोटे बच्चे थे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब हम 61 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी ने इतने वर्षों बाद ये सोचा कि ये गलती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी को ये कुछ दिनों बाद समझ आया कि ये जो केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लेकर कहते हैं वो भी गलत है। अब पता नहीं कब ट्यूबलाइट चलेगी। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे, और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियाँ वो कर देते हैं। एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।